यूनिट 731 इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस, जहां जिंदा इंसानों पर होते थे खतरनाक प्रयोग। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने एक जैविक हथियार के रूप में शुरू किया था, ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सकें। वो यहां जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि जिसके बारे में शायद ही आप सोच सकते हो। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग होते थे। इस क्रम में कई लोग तड़प तड़प के मर जाते थे, लेकिन जो जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था, और ये देखने के लिए उनकी चीड़फाड़ की जाती थी कि आखिर वो बचा कैसे। कहते हैं कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फ्रोस्ट बाइट ट्रेनिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैर को पानी में डुबा दिया जाता था, और जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथों और पैरों को गर्म पानी से पिघलाया जाता था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान तक चली गई थी। कई बार ऐसा होता था कि इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस डाला जाता था, और उसके बाद उसके प्रभावित अंगों को यह देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलता है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था, ताकि यह जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। यूनिट 731 यानी यूनिट 731 का सबसे खतरनाक प्रयोग कहा जाता था कि बंधक बनाए गए पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसमें किसी एक के शरीर में पहले ही बीमारी फैलाने वाला वायरस डाल दिया जाता था, और इस प्रयोग के जरिए यह जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर कैसे फैलती है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उनको गर्भवती बनाया जाता था, ताकि यह जाना जा सके कि नवजात पर उस वायरस का क्या असर होता है। इस क्रम में तो कई महिलाओं की मौत तक हो जाती थी। चीन के फिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 खतरनाक प्रयोग करने वाला एक लौता लैब नहीं था, बल्कि चीन में ऐसी कई और भी शाखाएं थी, जिनमें लेंक्यू 162, मुंडनजियान 643, सुनावू ब्रांच 673 और हेलर ब्रांच 543 भी शामिल थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करना बंद हो गया, और कई प्रयोगशाला वीरान खंडर बन गए। आज के वक्त में यह एक पर्यटक स्थल बन गया है, और इस प्रयोगशाला के बारे में ऐसा माना जाता है कि जापानी कोई भी हथियार खरीदते थे तो सबसे पहले वहां के कैदियों पर उसका प्रयोग करते थे, ताकि यह पता लगा सके कि वह हथियार कितना घातक और कितना खतरनाक है। तो दोस्तों 731 की जानकारी आपको कैसी लगी? और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।